ओके चलो, तो अब यहां पर एक पॉइंट लिमिटेशंस में लिया है इसके रेडॉक्स के अंदर कि एक्चुअली हम जो बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, हम जो रिप्रेजेंट करते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते तो हम उसको बोलते हैं वहां पर माइनस चार्ज आया है। हालांकि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी ने बॉन्ड फॉर्म किया है, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर बॉन्डिंग हुई है HOH वाटर, तो हम ऑक्सीजन पे लिखते हैं -2 चार्ज कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। हालांकि एक्चुअली गेन किया मतलब क्या, उसने गेन नहीं किया है, सिर्फ हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास करीब आ गए हैं, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है, समझा आपको। उसने टोटली कहा हाइड्रोजन ने लॉस कर दिया, बॉन्ड बनाया ना वहां पर, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम लॉस करता है, लेकिन यहां पर तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, समझा आपको। तो एक्चुअली यहां पर उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां इंक्रीज हो गया उसको माइनस ऑक्सीडेशन नंबर से शो करते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया उससे दूर चला गया उसको हम पॉजिटिव जो है ऑक्सीडेशन नंबर से शो करते हैं, ठीक है। बाद में एक कंसेप्ट आगे और बढ़ा जो काफी हेल्पफुल रहा रेडॉक्स रिएक्शन का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। तो हम वो देखेंगे यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक कंसेप्ट देखा था डैनियल सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, डैनियल सेल याद है आपको। तो डैनियल सेल जो है हमको क्या बताता था कि हमने उसमें दो हाफ सेल लिए थे, जैसे हमने एक हाफ सेल लिया था जिसमें जिंक सॉल्यूशन लिया गया था, यानी जिंक सल्फेट ZnSO4, जिसके अंदर होते हैं Zn2+ आयन एंड SO4 2- आयन फ्यूज स्टेट में है, और उसी में हमने जिंक रॉड को डिप किया था, जिंक रॉड लिया था, ओके। फिर दूसरा एक हाफ सेल हमने लिया था, दूसरा एक हाफ सेल था जिसमें हमने कॉपर लिया था, ओके। इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था CuSO4, जिसमें होते हैं Cu2+ आयन एंड SO4 2- आयन, ओके। और उसमें कॉपर रॉड को डिप किया था, ओके। फिर इन दोनों को हमने जोड़ दिया था विद गैल्वेनोमीटर, ओके। और यहां पर हमने यूज किया था सॉल्ट ब्रिज जो दोनों सेल को कनेक्ट करता है, यह है सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज में आप ले सकते हैं KCl सॉल्यूशन और KNO3 सॉल्यूशन और NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, इसमें से कोई भी इसमें फिल किया जा सकता है, और कॉटन से उसके एंड्स को यानी माउथ्स को जो है बंद किया था, ठीक है। अब यहां पर इसमें होता क्या था आपको याद है कि जो जिंक रॉड है धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू होती है, ठीक है। तो 1 मोल जिंक अगर डिजोल्व होते हैं, जिंक रॉड ये वाला जिंक सॉलिड, तो वो कन्वर्ट होता है 1 मोल Zn2+ आयन में, ठीक है।
और यहाँ पर अपने को 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो ये एक्वियस स्टेट में आ गया क्योंकि ये डिसॉल्व था यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको शो करते थे। वहां पर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिखा था, आपको याद होगा कितना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका, 0.34, क्या आपको याद है? 0. जिंक का था या कॉपर का था? इसका 0.76 था, माइनस में प्लस में? माइनस में था, याद है आपको? ओके। उसी तरह यहां जो कॉपर है, यहां जो फेनोमेना होता है, वो फेनोमेना यहां पर क्या होता है, कॉपर 2+, मतलब जिंक ने, 1 मोल जिंक ने 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन जो दिया है, वो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है कॉपर, तो कॉपर 2+ आयन जो कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर है एक्वियस स्टेट में, वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है अपने ऊपर और वो बन जाता है न्यूट्रल कॉपर सॉलिड। मतलब ये सॉलिड पार्टिकल यहां जाकर जमना शुरू होता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे जिंक डिसॉल्व होते जा रहा है और कॉपर जो है डिपॉजिट होते जा रहा है। जिंक डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। जिंक डिसॉल्व क्यों हो रहा है? सॉलिड जिंक इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है और Zn आयन में बन जा रहा है। तो यहां पर Zn आयन इंक्रीज हो रहे हैं, Zn2+ आयन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि SO4 जितने के उतने ही है और Zn आयन तैयार होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को कॉपर लेते जा रहे हैं, तो कॉपर यहां डिपॉजिट होते जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं कौन, SO4 2- बढ़ रहे हैं, मतलब वो एज इट इज है। फॉर एग्जाम्पल ये 100 थे, ये 100 थे, लेकिन कॉपर जाते जा रहा है, 50 चले गए कॉपर, तो ये ज्यादा हो गए ना, SO4 बढ़ गया और कॉपर कम हो गया, वो डिपॉजिट हो गया। इसको जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो हमको ओवरऑल रिएक्शन कैसे मिलती है यहां पर, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, ये था यहां पर Zn सॉलिड जो के क्या बन गया है, Zn2+ एक्वियस, और यहां पर जो था सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ आयन एक्वियस, वो बन गया है कॉपर, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे Zn ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये Zn ऑक्सीडेशन कर रहा है, ओके। कॉपर के बारे में हमने देखा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसका ई वैल्यू क्या था, प्लस में था, ये माइनस में था, ठीक है। कितना था उसका, +0.34, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब क्या आ रहा है उसका, रिडक्शन, क्योंकि वो 2+ से कन्वर्ट हो रहा है 0 में। यहां उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। 2+ से 0 मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन हुआ है उसका। तो इस तरह से हमको वैल्यू मिलती है प्लस और माइनस, और इन वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है, क्योंकि यहां तो ओवरऑल अपने को कुछ और मिलने वाला है। ओवरऑल हम कैसे निकालते हैं, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। अगर ई सेल अगर हमको निकालना है कि ये पूरे सेल का टोटल पोटेंशियल कितना है, अगर हमको मालूम करना है, तो हम ई सेल कैसे निकालते हैं, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो ई रिडक्शन कितना है अपना, 3-4 माइनस, और ऑक्सीडेशन कितना है, -0.76, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3-4 +0.76 कितना होता है, 1.1 वोल्ट। इतना अपने को ई सेल मिलता है डेनियल सेल में, यहां पर जिंक और कॉपर के अंदर, ठीक है। तो ये कैसे पता चला 0.34 और -0.76? एक्चुअली क्या करते हैं, अगर हमको जिंक का पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल तो हम निकाल सकते हैं, सिंगल पहचानना मुश्किल रहता है, तो ये हाफ सेल जो यहां पर है ना, इसको हटा देने का, यहां पर लगाने का शी को, शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है उसका पोटेंशियल रहता है 0, उसका हमेशा कितना रहता है,
पोटेंशियल जीरो। तो अगर हमने यहाँ पर कॉपर की जगह एक ऐसा हाफ सेल लगाया है जिसका पोटेंशियल जीरो होता है, तो Zn को जब उससे कनेक्ट किया जाता है तो हमको टोटल पोटेंशियल मिलता है कितना, माइनस 0.76 का मतलब है ऑक्सीडेशन हुआ, माइनस मतलब ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझो आपको। ये माइनस n क्या शो करता है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझो आपको। ये माइनस n क्या बताता है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पूरे टर्म्स में आपको बताता हूं बाद में भी वन बाय वन, ठीक है। तो अपने को टोटल अगर ये हाइड्रोजन की जगह ये जीरो रहा तो अपनी वैल्यू क्या रहेंगी यहां पर, ये रिडक्शन की जगह अगर हाइड्रोजन आएगा यहां कॉपर की जगह, ये कॉपर का है, हाइड्रोजन का रहेगा तो कितना रहेगा, जीरो, जीरो माइनस माइनस 0.76 कितना आएगा आंसर, 0.76 बराबर है कि नहीं है। अब साइन लेकिन माइनस की रहेगी वहां पर, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, अगर आपने इसको जोड़ा किसके साथ में, अब यहां पर आपने लगाया SHE, शी को इधर लगाया कॉपर के साथ में, तो अपने को वैल्यू मिलेगी 0.34, समझा आपको। तो ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने के बाद हमको मिलती है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। टोटल वैसे अगर दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 1.1। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल ऑफ अ सेल व्हेन द प्योर मेटल ऑफ दैट सब्सटेंस, अब कोई गैस रहते हैं लिक्विड रहते हैं तो उनके भी इलेक्ट्रोड बनते हैं, जैसे कोई गैस है हाइड्रोजन गैस, जैसे अभी मैंने बताया SHE, वो हाइड्रोजन गैस है तो उसका इलेक्ट्रोड तो नहीं बन सकता है, मतलब उसका रॉड तो नहीं बन सकता है, तो उसका इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, कोई इनर्ट मेटल के ऊपर उस गैस को डिपॉजिट करते हैं, जैसे प्लैटिनम के ऊपर देखा था ना हमने, प्लैटिनम प्लेट पर हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब करते जमा देते हैं उसके ऊपर कंटिन्यू प्रेशर से पास करने पर, तो वो काम करता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो गैस लिक्विड को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो सॉलिड है कॉपर, नो प्रॉब्लम। सो व्हेन अ सब्सटेंस इज डिप्ड इनटू इट्स ओन सॉल्ट, व्हेन अ सब्सटेंस डिप्ड इनटू इट्स ओन सॉल्ट, जैसे जिंक को उसके ही सॉल्ट ZnSO4 में डिप किया है, कॉपर को उसी के सॉल्ट कॉपर सल्फेट में डिप किया है। सो व्हेन अ सब्सटेंस डिप्ड इनटू इट्स ओन सॉल्ट, आइदर इट लूजेस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, समझा, ये क्लियर हो गया। दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई होते हैं बाकी डेफिनेशन सेम। व्हेन अ सब्सटेंस डिप्ड इनटू इट्स ओन सॉल्ट, कोई सब्सटेंस को उसके सॉल्ट में डिसॉल्व किए, हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलार, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, कंडीशन फिक्स, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज होता है, टेम्परेचर इस पर फैक्टर इफेक्ट करता है, क्योंकि एक रिएक्शन है, केमिकल काइनेटिक्स में देखा ना हमने रिएक्शन पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर, पता है ना आपको, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन में जब उसको निकालेंगे तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, समझा आपको। तो व्हेन अ सब्सटेंस डिप्ड इनटू इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन having the concentration of 1 molar and the temperature 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure, आजू बाजू का प्रेशर 1 atmosphere चाहिए, तो उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझा आपको। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ चुके सॉल्ट ब्रिज की यूज करते हैं, इट मिनिमाइज दी जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इसको, इट मिनिमाइज दी लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मतलब क्या हो रहा है, जिंक धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है रॉड, तो अंदर Zn+2 बढ़ रहे ना, इधर copper+2 जाते जा रहे तो SO4- बढ़ रहे ना, तो यहाँ निगेटिव पोटेंशियल तैयार होता है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल तैयार होता है, जो यहाँ मिलने वाले पोटेंशियल को डिस्टर्ब करता है, ये 1.1 को डिस्टर्ब करता हूँ,
तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए दोनों जगह बैलेंसिंग चाहिए। तो अंदर जो सॉल्ट है के प्लस सी एल माइनस, के प्लस एनओ थ्री माइनस, एन एच फोर प्लस एनओ थ्री माइनस, ये माइनस प्लस आयन बैलेंसिंग कैसे करते, अंदर के प्लस आयन इधर के एक्सेस माइनस एसओ फोर को इधर लाकर छोड़ते, टांगा डोली करके उठा उठा के फेंकते इधर, और इधर के जेड एन टू प्लस को इनके माइनस वाले ले जाकर उधर छोड़ते, रिप्लेसमेंट। इसलिए तो रिएक्शन को ऐसे भी कहा जाता है ना, इट इज अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि ZN ने कॉपर सल्फेट को उसी के सोल्यूशन में से रिप्लेस कर दिया, वो ZnSO4 बन गया और Cu चला गया। समझा आपको ये प्लस टू जो कॉपर लिखते ना अपन, वो SO4 के साथ में है ना, तो इसलिए बोलते हैं कि जिसका अब जो लिस्ट है आपको दी हुई सिलेबस में, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली बराबर है, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली लिखी गई है। जैसे हर एक को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे Zn 2 प्लस Zn, जिसको ऐसे लिखा जाता है Zn 2 प्लस Zn, Cu 2 प्लस Cu, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिखना रहा तो H प्लस हाफ एच टू, ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब हर एक को यहां पर जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर वो न्यूट्रल है, मतलब ऐसे, और ये कौन है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो बन रहा है Zn2 प्लस, ये है प्रोडक्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझा आपको, ऑक्सीडेशन हो गया इसका यहां पर, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो लिस्ट है अपनी वो लेकिन किसके अकॉर्डिंगली है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किसके अकॉर्डिंगली है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, समझा आपको। तो वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली जो है वो लिस्ट अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब जरा इसमें आपको क्या याद रखना है, लिस्ट में जो नीचे आता है उसका एस आर पी वैल्यू क्या है, कम, माइनस में, बीच में हाइड्रोजन है जीरो, नीचे वाले माइनस ऊपर वाले प्लस, तो जिसका एस आर पी कम होता है वो अपने से ज्यादा एस आर पी वाले को रिप्लेस कर सकता है, जेड एन नीचे है कॉपर ऊपर है लिस्ट में, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एस आर पी कम है ना माइनस में, वो अपने से ज्यादा एस आर पी वाले को रिप्लेस कर सकता है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो लिस्ट है जिसको बोलते हैं ई एम एफ सीरीज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज, बहुत एप्लीकेशन है इसके, क्या क्या एप्लीकेशन है शॉर्ट में बताता हूँ। लिस्ट में हाइड्रोजन के नीचे जितने भी है दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उनका क्या होता है ऑक्सीडेशन, और लिस्ट में जो ऊपर है प्लस वाले दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि उनका क्या होता है रिडक्शन, समझा आपको। जिसका एस आर पी कम है अपने से ज्यादा एस आर पी वाले को रिप्लेस कर सकता है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं रिएक्शन में कौन सा मेटल कौन से सॉल्ट के साथ यूज करना है आपको रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इतना ही था यहां पर इसके बारे में, अब हम आते हैं लिस्ट की तरफ, इसको पॉज कर दो।